एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था, एक जंगल में घूम रही थी। उसे जंगल के आगे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह उत्सुकता से उस घर की ओर चली गई। जब गोल्डीलॉक्स उस घर के पास पहुंची, तो उसे पता चला कि कोई लोग उस घर में नहीं थे। यह उसे बहुत अजीब लगा। गोल्डीलॉक्स उस घर के द्वार पर खड़ी हो गई और द्वार खोलकर अंदर चली गई। उसने भीतर से बहुत सारी चीजें देखी। तभी उसने एक ताला बंद के कमरे के द्वार पर ध्यान दिया। गोल्डीलॉक्स को बहुत उत्सुकता हुई और उसने उस ताले को खोल दिया। यह उसे बहुत अजीब लगा। गोल्डीलॉक्स उस घर के द्वार पर खड़ी हो गई और द्वार खोलकर अंदर चली गई। उसने भीतर से बहुत सारी चीजें देखी। तभी उसने एक ताला बंद के कमरे के द्वार पर ध्यान दिया। गोल्डीलॉक्स को बहुत उत्सुकता हुई और उसने उस ताले को खोल दिया। फिर उसने देखा कि उस बेड के आसपास तीन छोटे छोटे बेड भी थे। उसने सोचा, हे, शायद ये छोटे बेड मेरे लिए सही होंगे। इसलिए वह बड़े बेड से उठी और सबसे छोटे बेड पर चढ़ गई। छोटे बेड पर बैठते ही गोल्डीलॉक्स ने महसूस किया कि यह बेड बहुत कठिन और बहुत ऊंचा था। वह उसे भी असुविधाजनक लगा। फिर उसने तीसरे छोटे बेड की ओर देखा और सोचा, शायद यह बेड मेरे लिए उचित हो। इसलिए वह छोटे बेड से उठी और तीसरे बेड पर चढ़ गई। तीसरे बेड पर बैठते ही गोल्डीलॉक्स ने महसूस किया कि यह बेड उसे बहुत आरामदायक और बहुत सही लगा। वह इसे बहुत पसंद करने लगी। भी उसने खुशी से उच्चारण किया, यह बेड बिल्कुल सही है। इस समय तीन भालू वापस अपने घर से लौट आए। वे थोड़ी देर बाद खुशी खुशी घर में घुस आए और उन्होंने देखा कि कुछ अजीब बातें हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि कुछ खाने की वस्तुएं यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। तब उन्होंने अपने कमरे में जाकर देखा और वहाँ गोल्डीलॉक्स को देखा। तीनों भालू बहुत गुस्से में आ गए और गोल्डीलॉक्स को उठा उठा कर लेकर गए। गोल्डीलॉक्स बहुत डर गई और वह जल्दी से भाग गई। गोल्डीलॉक्स ने अपनी चोरी बहुत पछताई और उसने सोचा, मैंने गलत किया है। मैं अनजाने में उनके घर में घुस आई थी और उनकी सामानिंद्रति की। इसके बाद से गोल्डीलॉक्स ने कभी भी किसी अनजाने के घर में घुसने का प्रयास नहीं किया और हमेशा समझदारी से रहने का निर्णय लिया। और तब से तीनों भालू और गोल्डीलॉक्स की कहानी पूरी